दोस्तों, दुनिया में वास्को डी गामा का नाम कौन नहीं जानता होगा, और साथ में ये भी जानता होगा कि उन्होंने भारत की खोज की थी। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? दोस्तों, हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह मजाक नहीं लगता है? दोस्तों, यह ऐसा ही है, आप अपने पड़ोसी के घर खोज लें और दुनिया में इतिहास बन जाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर। दोस्तों, आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। सचमुच दोस्तों, यह हद दर्जे की मूर्खता है, और भारतीय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दोस्तों, पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। दोस्तों, यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदा करते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। दोस्तों, यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। यूरोपीय कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। दोस्तों, भारत के दूसरी तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन ही रास्ते थे। पहला रास्ता चीन होते हुए बर्मा पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था दोस्तों अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता दोस्तों समुद्र का रास्ता था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। दोस्तों, ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में बहुत सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। दोस्तों, इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत की समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। दोस्तों, कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग खोज निकाले और समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। दोस्तों, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंच गए और वहां के राजा जी मोरिन से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। दोस्तों, कालीकट केरल राज्य का एक नगर है और पतन भी है। दोस्तों, वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी। दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आते रहे, और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, पुर्तगाल की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। दोस्तों, 24 मई 1524 ईस्वी को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई, और लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का एक स्मारक भी है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल दोस्तों, 1492 में एक नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई, ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। दोस्तों, एस्टाबो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। दोस्तों, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकल गए थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 द्विभाषी भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और 1 कई भाषा का ज्ञाता था। दोस्तों, बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्रो आनी पहचान अस्तम भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करते थे। तो ये थी कहानी दोस्तों वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो दोस्तों आपको सबसे पहले सुनने और देखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।